हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो चलिए गाइस, आज बहुत ही सुंदर सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं। ये सुंदर सा बहुत ही लग्जरी होटल है, देखिए दीघा में है होटल अभया गामा। देखिए क्या इस आर्किटेक्चर है गाइस, देखिए। और ये है कैफे, बहुत ही सुंदर सा कैफे। ये गाइस देखिए, ये टेबल चेयर और लैंप्स, वॉल में सुंदर सा डिज़ाइन, खूबसूरत सा वॉल। और ये सिटिंग एरिया देखिए गाइस, कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। ये गाइस देखिए, ये कैफे से स्विमिंग पूल का नज़ारा बैठ बैठ के देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा। और ये है गाइस हॉल, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम फंक्शन कर सकते हैं, आप लोग हॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रूम नंबर 409, इसमें चलिए इन करते हैं और सुंदर सा रूम देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा रूम। ये बेड, बेहतरीन सा गद्दे वाला बेड, वाह शानदार डिज़ाइन। और ये फैन, और ये LED टीवी, और केटल इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे पर्दा, और पर्दे के पीछे यहाँ विंडो और बेहतरीन सा नज़ारा। और ये वॉशरूम, और दूसरा रूम दिखाते हैं 406 गाइस। देखिए इसका रूम का अंदर में, देखिए बेहतरीन सा रूम, डेकोरेशन देखिए गाइस। बाथरूम, और ये बाथरूम गाइस बेहतरीन सा बाथरूम, ये वाइट कमोड, ये शावर। और ये इनसाइड में ग्लास, सुंदर सा ग्लास लगा हुआ है। और यहाँ LED टीवी, और ये सुंदर सा बेड, बहुत ही सॉफ्ट ही बेड और डेकोरेशन। ये पर्दा, और यहाँ बाहर का नज़ारा, बैल्कनी देखिए गाइस, बेहतरीन सा बैल्कनी। और यहाँ स्लाइडिंग ओपन करके हम लोग गए, ये देखिए बेहतरीन सा सिटिंग एरिया और नज़ारा, स्विमिंग पूल व्यू। ये तीसरा रूम गाइस, R03 रूम नंबर, चलिए इसके अंदर में चलते हैं और बेहतरीन सा नज़ारा देखते हैं। ये देखिए बेहतरीन सा टेबल कुर्सी और लैम्प, यहाँ पे स्लाइडिंग, ये सुंदर सा बेड, और बेड के सामने गद्दी यहाँ रखा हुआ, और ये फैन। ये देखिए नज़ारा, देखिए पूल व्यू बैल्कनी में गाइस, पूल व्यू इस रूम में भी है। और चार आदमी बैठ सकते हैं यहाँ, 4 सीटर। और यहाँ बेड, ये बेड में लैम्प। ये चौथा रूम M04, देखिए चलिए इस पे जाते हैं। देखिए गाइस कैसा इसका डेकोरेशन है, टेबल कुर्सी चेयर, और यहाँ डेस्क केटल फ्रिज, यहाँ पे ऑफिस बना हुआ, छोटा सा ऑफिस, यहाँ सीटर एरिया, सिटिंग एरिया, यहाँ पर्दा, सुंदर सा पर्दा दिखे गाइस, पर्दा हटाने से बेहतरीन नज़ारा। और ये बैल्कनी बेहतरीन सा, और इसमें भी सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे बैठ के आराम से नज़ारा देख सकते हैं पूल व्यू का। ये देखिए बेहतरीन सा पूल व्यू, वाह। ये बेहतरीन सा नरम नरम गद्दा वाला बेड, इतना अच्छा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है गाइस, आप लोग लाइक तो ज़रूर करना। ये ग्लास है बाथरूम का, ये कबाट, और ये बाथरूम सुंदर सा, ये बेसन, ये कमोड, और ये ग्लास, और पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से खोल भी सकते हैं आप,
ये डोर को खींचने से ये खुलेगा, ओपन हो जाएगा। देखिए ये देखिए किस तरीके से ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो जाएगा और बाथरूम का एरिया रूम से क्लियर दिखेगा। और अगर उसको ढक देते हैं तो बाथरूम का एरिया नहीं दिखेगा, ढक जाएगा। ये सुंदर सा बाथरूम गाइस, ये शावर, ये देखिए इनसाइड में कितना बेहतरीन सा ये शावर, और सेंट्रल एसी तो सब जगह लगा हुआ है। ये गाइस देखिए ये सुंदर सा रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग जा रहे हैं, इन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सा रेस्टोरेंट। देखिए यहाँ का डेकोरेशन देखिए गाइस, टेबल चेयर लैंप्स और सब डिश, यहाँ पे सब डिश रखा हुआ है। और ब्रेकफास्ट भी यहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है यहाँ पे रूम के साथ, जो आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट फ्री है। ये देखिए बाहर का नज़ारा, रेस्टोरेंट से बाहर का नज़ारा। ये गाइस पांचवा रूम B05, ये पांचवा रूम है, चलिए इसमें भी दिखाते हैं बेहतरीन सा नज़ारा इस रूम का, चलिए इन करते हैं। ये सामने में सुंदर सा बेड, ये देखिए गद्दा देख रहे हैं उसका, कम से कम 10 इंची मोटा गद्दा होगा गाइस इसका, 10-12 इंची होगा, उससे कम तो नहीं होगा। और ये वॉल डेकोरेशन देखिए गाइस, बेहतरीन वॉल डेकोरेशन। और यहाँ पे है क्या, रूम में जाके स्लाइडिंग ग्लास है, उसको ओपन है, वहाँ ओपन बाथरूम है, और उसको आदमी सेपरेट भी कर सकता है और ओपन भी रख सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। अगर स्लाइडिंग टान दीजिएगा तो बाथरूम सेपरेट हो गया। ये देखिए कमोड, ये शावर बेहतरीन सा, और ओपन रखने का तो ओपन रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लुकिंग ग्लास, बेसन, और ये मैं ये थोड़ा सा आगे और एक शावर है, यहाँ पे ओपन शावर है गाइस, देखिए सुंदर सा गार्डनिंग किया हुआ है और ओपनिंग शावर है, मगर शावर इस जगह पे है जहाँ से बाहर से दिखेगा नहीं, ऊपर से बंद है। ये देखिए गाइस, ये देखिए शावर है, खुला एरिया में शावर, और बेहतरीन सा नीचे में स्टोन C01, ये छठा रूम है गाइस, चलिए इसमें भी देखते हैं कैसा इसका नज़ारा है, खूबसूरत सा नज़ारा, चलिए अंदर इन करते हैं हम लोग। ये टेबल चेयर और बेड और सेल्फ, यहाँ रखने का सामान कुछ भी रख सकते हैं। और ये खूबसूरत सा टीवी, और ये पर्दा, इतना सुंदर सुंदर गाइस पर्दा है, और पर्दे में स्लाइडिंग ग्लास है, उसको बाहर जाके वहाँ झूला है गाइस, सुंदर सा झूला, और बाहर में स्विमिंग पूल जा सकते हैं यहाँ से, मतलब रूम के अंदर से स्विमिंग पूल में आराम से जा सकते हैं। ये सीटर बैठने का, ये बेड, ये लैंप, सुंदर सा लैंप दोनों साइड बेड का, और ये बेहतरीन सा बाथरूम, वैसा ही बाथरूम है गाइस, सुंदर सा बाथरूम। ये कमोड गाइस, वाइट कमोड, और नीचे में पत्थर, और ये ग्लास, ये ग्लास पर्दा लगा हुआ है। और यहाँ भी ये सुंदर सा शावर, और शावर के साइड में विंडो लगा हुआ है, अगर डोर टानेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा, अगर डोर बंद कर देंगे तो ये ढक जाएगा, वो ग्लास वाला विंडो है गाइस। ये सुंदर सा स्विमिंग पूल गाइस, ये नज़ारा देखिए, ये सलमान। अगर गाइस आपको रूम पसंद आए होटल में
तो आप रूम नंबर देख करके आप कॉन्टैक्ट नंबर में बात करके बात कर सकते हैं जो रूम का रेंट कितना है, ये नंबर का रूम का रेंट कितना है, ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, आप आराम से बात कर सकते हैं और रूम का रेट भी जान सकते हैं और आप बुक भी कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर, ये ईमेल, गाइस यहाँ पे रूम 2000 रुपये से स्टार्ट होता है, आप लोग बात कर सकते हैं। और ये वेबसाइट में भी देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो गाइस हमारा वीडियो, हमारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू, अल्लाह हाफिज़। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू, अल्लाह हाफिज़।